अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने ये चैप्टर नंबर वन आप लोगों की बुक का ओपन कर दिया है। ये आप लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर वन, और नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है सेल स्ट्रक्चर सेल एंड सब सेलर ऑर्गेनाइज, ठीक है। जो अक्सर हम बोलते हैं कि कोर्स चेंज हो गया है ये वो, ऐसे लो बेस्ट आप लोगों का जो पेपर है वो इन टॉपिक्स में से बनेगा। ये जो पूरा चैप्टर है ना ये इन टॉपिक्स से बना है। तो अच्छा, इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है जो मेरे मुताबिक मिस्टेक्स है। अगेन आई रिपीट, मेरे मुताबिक। देर आर चांसेस के उसके कोई जस्टिफिकेशंस वगैरह हो, लेकिन मेरे मुताबिक वो मिस्टेक्स है, उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चैप्टर नंबर वन के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख ले, यहाँ पर इस फर्स्ट पेज में ये बता रहे हैं हमें कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा पैरामीशियम। इसके इसका नाम रखा है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है ये क्या है, इस ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसका मतलब एक सेल से बने होते हैं। लेकिन जब आगे आप लोग इस चैप्टर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आखिरी लाइन लगता है ये एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी में कि प्रोटोजोन्स आर नॉट सेलुलर, दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है कि इनके बॉडी सेल से नहीं बने होते। तो वहाँ एक लाइन के अंदर बता रहे हैं कि प्रोटोजोन यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, और यहाँ बता रहे हैं कि ये ए सेलुलर है। ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट मेरे मुताबिक गलत है, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर में भी डिस्कस नहीं किया, इसको डिलीट कर दे इधर से, टीचर के साथ अपने डिस्कस कर ले, देयर माइट बी सम जस्टिफिकेशन, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बाद जो मुझे इसमें एक और मिस्टेक जो नज़र आया है वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा, ये श्लाइडन के बारे में बोल रहे हैं कि श्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट था, ही एग्जामिन्ड वेराइटी ऑफ सेल सम काइंड, और इन 1938 में कभी भी नहीं। आप लोगों ने याद रखना है 1938 में तो पाकिस्तान आज़ाद होने लगा था, हम तैयारी कर रहे थे आज़ादी की, इसको 1838 कर दे, क्या करना है इसको 1838 करना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद जो मुझे एक और मिस्टेक जो नज़र आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि मिस्टेक है, वो ये है कि जो रोडोल्फ फिरको है, वैसे फिरको मेरे ख्याल में कि बी प्रोनाउंस करते हैं, मैंने विरको सुना है, तो इन्होंने 1855 में किया था, जो अपने ऑब्जर्वेशंस किए थे मेरे नॉलेज के मुताबिक कब किए थे, 1855 में किए थे, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके मुताबिक 1855 में ऑब्जर्वेशंस किए थे। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अपने टीचर्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, ये रट्टे वाले पॉइंट्स है, ये नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक दो बातों पे जो मैं ऑब्जेक्शन करूँगा, मैंने लेक्चर में भी बताया है, वो ये है कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ नॉन लिविंग थिंग्स भी तो मूवमेंट करते हैं, पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पानी चल रहा है, और हवा ने चलना होता है, एंड सो ऑन। फिर ये लिखा है कि लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं, मैं बोलता हूँ किडनी स्टोन भी तो ग्रो कर रहा होता है, स्टोन पहले इतना होता है फिर इतना हो जाता है, तो मेरे मुताबिक नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स अपने जैसे कॉपीज़ बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मैं बोलता हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स भी अपने जैसे कॉपीज़ बना सकते हैं, फोटोकॉपी मशीन जो है वो बहुत सारे कॉपीज़ आपके लिए बना सकता है। तो खैर, ये तो वैसे ही मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो ओपन हो जाए, लेकिन ये डिस्कस करने वाली बातें हैं, मिस्टेक्स नहीं है, डिस्कस करने वाली बातें हैं, ठीक है। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर वन में थोड़ा सा मज़ीद आगे जाता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये कैरियर प्रोटीन के बारे में डिस्कशन की थी, या पैसे जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो आप लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी अपने टीचर के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसमें लिखा है ये वाला सेंटेंस, कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि दे कैरी द मॉलिक्यूल्स, चेंज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल टू द अदर साइड। ये मेरे नॉलेज के मुताबिक जो कैरियर प्रोटीन होते हैं
वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को नहीं चेंज करते, अपने आप को चेंज कर देते हैं, अपने आप को चेंज करके मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और आप लोगों को ये इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये कभी इस तरफ बंद होता है और कभी इस तरफ वो बंद होता है। तो अपने आप के अंदर चेंज लाके ये देख ले, इस मॉलिक्यूल को सर्कल में है और सर्कल वाला ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस सेंटेंस को मुझे जो लग रहा है वो चेंज करना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें मिस्टेक्स तो नहीं खैर, लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पर ना होते तो अच्छी बात है। यहाँ पर एग्जांपल्स आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फेगोसाइटोसिस बाय बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस, ये बल्क ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होना चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप लोग सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन लाइक एंजाइम्स और पेप्टाइड हार्मोन पढ़ते हैं, तो ये भी बल्क ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस का एग्जांपल जो है वो होना चाहिए। और फंक्शनिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बाय प्रोटेक्टिंग और बॉडी, ये भी एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल होना चाहिए। मेरे मुताबिक गलत नहीं है, एनर्जी इसमें भी यूटिलाइज हो रही होती है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर ये यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं होते तो अच्छी बात होती। ऑल दो एनर्जी इसमें भी क्या हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है। ठीक है, ये इसमें कुछ मुझे जो है वो नज़र आए थे कुछ पॉइंट्स। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पर मैं भूल गया बताना, ये आप लोग मुझे बताएंगे, टीचर के साथ बेशक आप लोग डिस्कस भी कर ले। जो हमने माइक्रोस्कोप वाला पॉइंट पढ़ा है ना, माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा है, इसमें पेपर में अक्सर एक एमसीक्यूज आता है कि ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन है वो कितना होता है, तो ये है 0.1 मिलीमीटर यहाँ पर लिखा है। अगर आप लोग केपीके की बुक अभी उठाए और केपीके की बुक में लिखा है तो उसमें लिखा होगा 1.0 मिलीमीटर, और पंजाब की बुक अगर आप लोग उठाए तो उसमें भी क्या लिखा होगा, उसमें भी लिखा होगा 1.0 मिलीमीटर, और आप लोग की बुक में लिखा है 0.1 मिलीमीटर। तो अपने टीचर के साथ डिस्कस कर ले कि कौन सा जो है वो सही है और कौन सा जो है वो गलत है। इसके बाद माइनर जो है वो कुछ पॉइंट्स और भी है, लाइक कभी कभार सेंटेंस वगैरह में, बुक सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा बोर होने वाला मामला जो होता है ना कभी कभार, वो ये होता है कि एक ही जो डेफिनेशन है वो अक्सर रिपीट कर दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर ये आइडिया दे देता हूँ, स्पेशली आखिरी टॉपिक्स में जब आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस टॉपिक पढ़ते हैं, या इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक कौन सा होता है, सेल सिग्नलिंग वाला टॉपिक होता है या स्टेम सेल्स वाला टॉपिक जो है वो आप लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखा है यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन देख ले कि स्टेम सेल्स आर द सेल्स विद पोटेंशियल टू डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर लिखा है कि दीज डॉटर सेल्स बिकम न्यू स्टेम सेल्स आर वट एवर द केस इज। अ स्टेम सेल कैन बी डिफाइंड एज यूनिक एबिलिटी टू स्पेशलाइज सेल्स, और दे डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो मतलब सेंटेंसेस कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़े से रिपीटिशन वाले होते हैं, तो वो इसको क्या करता है, कभी कभार मुझे थोड़ा सा बोरिंग सा लग जाता है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, सही है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ मैं ये बताने लगा था, ये सेंटेंस काफ़ी थोड़ा सा वो है कि जो रिसेप्टर क्लस्टर्स इन रीजन टर्म्ड कोटेड पिट्स इज दे आर कोटेड विद प्रोटीन काज़ द कोटेड पिट्स टू इन्विजिनेट बिकम कोटेड वेसिकल्स। तो मतलब काफ़ी मुश्किल मुश्किल अंदाज में ये सेंटेंस जो है वो इधर उधर हुआ है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है सब कुछ इसमें। हाँ, थोड़ा सा इसमें भी मुझे शक हो रहा था, लेकिन चलो इसको आप लोग क्रॉस चेक कर ले। मेरे मुताबिक तो लॉन्गेस्ट फेज़ प्रोफेज़ होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है कि लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ माइटोसिस जो है वो मेटाफेज़ है। देर आर चांसेस कि मैं इसमें रॉन्ग हूँ, लेकिन ठीक है, बस जो भी है आप लोग अपनी बुक के मुताबिक जो है वो रट्टा लगा ले। अच्छा, बस फाइनल बात यही मैं आप लोगों के साथ करूँगा कि कोशिश करें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ये वीडियो लेक्चर ज़रूर जो है वो शेयर कर ले। अब जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है ना, अभी मैंने कुछ ही डेज पहले अपलोड कर दिया है, मेरे ख्याल में दो हफ्ते हो गए, और 100+ आवर्स जो है वो मतलब 100 घंटे से ज़्यादा वो वॉच हो चुका है ऑलमोस्ट काफ़ी सारे।
तो वॉच टाइम आता है, लेकिन कोशिश कर लिया करें सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कर लिया करें, ताकि मुझे उसका कुछ फील हो कि लाइक है, चल रहा है, तो मैं फिर अपलोड करूँगा। एल्स ये है कि बंदा फिर सोचता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सही है, चलो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।